हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए गणित और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें आपने देखा पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 17.1 पढ़ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 17, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसके ही 17.2 एक्सरसाइज। तो हम पढ़ेंगे 17.2 और देखेंगे 17.1 और 17.2 में बेसिक डिफरेंस क्या है। 17.2 को स्टार्ट करने के लिए हम इसके उदाहरण से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास इसका पहला उदाहरण है जिसमें दिया हुआ है निम्न बार बार बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये कुछ x के मान दिए हुए हैं और यहाँ पे f के मान दिए हुए हैं। तो इनका मतलब है x जो है ये तो हमारा आंकड़ा है कि ये आंकड़ा एक आंकड़ा है और ये दो जो है, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और इसको हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, मतलब वो कितनी बार आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब है एक जो है दो बार आ रहा है, मतलब कि एक और एक, ऐसे ही दो जो है पांच बार आ रहा है, कुछ इस तरीके से दो 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 दो, तीन छह बार आ रहा है, चार चार बार आ रहा है, पांच दो बार आ रहा है, छह दो बार आ रहा है, मतलब कि छह की फ्रीक्वेंसी दो है। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से नहीं जोड़ेंगे कि एक एक जोड़ेंगे फिर दो को पांच बार जोड़ेंगे, हम डायरेक्टली जोड़ को गुणा से करेंगे, मतलब कि दो गुणा पांच कर देंगे तो भी दस आएगा और दो प्लस करेंगे तो भी दस आएगा। तो इसलिए हम एक्स आई और एफ आई इनके लिए टेबल बना लेते हैं। एक्स आई का मतलब है कि पहला एक्स आई जैसे कि दो है तो उसके सामने, सॉरी, पहला एक्स आई जो है एक है और उसके सामने उसकी बारंबारता लिखेंगे जो कि दो है। ऐसे ही हम पूरे आंकड़े लिख लेते हैं, पहले एक दो तीन चार पांच और छह। दो की बारंबारता पांच है, तीन की बारंबारता छह है, चार की बारंबारता चार है, पांच की बारंबारता दो है और छह की बारंबारता भी दो है। अब इन सबको हम एफ आई और एक्स आई को गुणा कर देते हैं। तो एफ आई गुणा एक्स आई करेंगे, मतलब कि वन इंटू टू करेंगे तो टू आ जाएगा, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 6 थ्री जा 18 आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा, 5 दुनी 10 आ जाएगा और 6 दुनी 12 आ जाएगा। अब इसके बाद में बारी आती है इन सबको जोड़ने की। तो इन सबको जोड़ने के लिए हम पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इनको जोड़ते हैं और लिखते हैं सिग्मा, जोड़ के चिन्ह को सिग्मा से दर्शाया जाता है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई जो है तो ये इन सब का जोड़ आएगा, सिग्मा एफ आई, तो पांच और दो सात, सात और छह तेरह और चार सत्रह, सत्रह और दो उन्नीस और दो इक्कीस, ये आ गया हमारे पास इक्कीस। और एफ आई एक्स आई का भी योग करना है तो सिग्मा ऑफ एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दो और आठ दस, दस और छह सोलह, सोलह और दो अठारह, अठारह के आठ, हासिल आई एक, एक और एक दो और एक तीन चार पांच छह, ये आ गया 68। अब हमारे पास जो समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कि क्वेश्चन में समांतर माध्य ज्ञात करना था, तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एफ आई एक्स आई का योग और सिग्मा एफ आई कर देना उसमें। तो ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहां से 68 है तो ये 68 यहां लिख देते हैं, बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई जो है 21 है, तो यहाँ पे एक्स बार का मान जो आएगा 21 से काटेंगे तो 21 ये 63 बचेगा 5, 5 के आगे 0 लिखेंगे तो 50 बन जाएगा, 21 दूने 42, 42 का 2 और जो बचेगा शेष वो 8 बचेगा, 8 0 और 21 ये 63, तो ये 3.23 ये आया हमारा आंसर जो कि है दिए गए बारंबारता बटन का समांतर माध्य, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया है एक कारखाने में 50 अधिकारियों का दैनिक वेतन निम्न प्रकार है और वेतन जो दिया हुआ है वो एक्स है, मतलब ये आंकड़ा है, और अधिकारियों की संख्या एफ है जो कि बारंबारता है, मतलब 450 रुपए 12 अधिकारियों को मिलते हैं, 475 13 अधिकारियों को मिलते हैं, 507 अधिकारियों को मिलते हैं, 525 10 को और 550 8 को मिलते हैं। तो यहां भी हम पिछले क्वेश्चन की जैसे ही सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स आई, मतलब एक्स के मान रख लेते हैं,
तो ये हमारे पास पहला 450, फिर उससे अगला 475 है, उससे अगला 500 है, 500 के आगे 525 है, और उससे नेक्स्ट है 550। तो ये हमारे पास पांच आंकड़े हैं, इनके लिए एफ आई भी लिखते हैं। एफ आई जो है पहले के लिए 12 है, दूसरे के लिए 13 है, तीसरे के लिए 7 है, और इसके लिए 10 है, और फिर 8 है। यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकालना है या एक्स आई एफ आई, एक ही बात है, ए गुना बी करो या बी गुना ए करो। तो यहाँ पे 450 को गुणा करना है 12 के साथ, तो 0 ऐसे कैसे, 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल 6, 12 चौके 48, 48 में जब 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54, तो ये 5400 आ गया हमारे पास। अब 475 को 13 से गुणा करना है, 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 सत्ते 91, 91 और 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा 97, 97 का 7 हासिल 9, 13 13 चौके 52, 52 में जब 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 61, और 7 पंजे 35, तो ये तो आ जाएगा 3500 डायरेक्ट, ये आ जाएगा 5250, और यहां से ये आएगा 0, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। अब इन सबको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने से पहले इनको एक सारणी में सजा देते हैं। तो यहां पे जो आएगा सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई का सभी का जोड़ निकालना है, तो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 50 आ गया यहां से, ये सिग्मा एफ आई का मान। अब निकालते हैं एफ आई एक्स आई का जोड़, तो ये 5 का 5 आ जाएगा, यहां से 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 4 एक 5 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 7 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15 और 5 20 और 4 24, ये आ गया हमारे पास 24, जो क्या आया था सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हम निकालते हैं समांतर माध्य, जिसको लिखते हैं हम एक्स बार से, तो एक्स बार बराबर आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, कुल योग जो आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई से दर्शाया जाता है, और जो आंकड़ों की संख्या है वो होती है सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार बराबर आ जाएगा 24725/50, तो x बार बराबर हो जाएगा, 0 का भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 24 72.5/5, और x बार यहां से जो आया है 5 चौके 20, 4 और 7 5 9 45, 2 बचेगा, 2 2 22 हो गया, 5 चौके 20, दशमलव लगाया, और 2 और 5 25, 5 5 25, तो ये आया 494.5। तो हमारे पास जो उदाहरण नंबर 2 था उसका आंसर आया 494.5, तो ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, ये दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियोज बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियोज को लाइक करें, इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके अपने यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।